सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांटेशंस। अभी तक हम लोगों ने फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सबसिस्टेंस, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्लांटेशन। तो प्लांटेशंस क्या होती है? प्लांटेशन एक तरीके का कमर्शियल फार्मिंग होता है, दैट मीन्स अगेन इट इज डन फॉर द प्रॉफिट मेकिंग। सो इट इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक सिंगल क्रॉप जो होती है एक बहुत बड़े एरिया में, उसको कल्टिवेट किया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि एक इंटरफेस की तरह होता है, एक मिडल यू नो पाथ की तरह होता है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को अपने साथ लेके चलता है, दोनों में बैलेंस बिठाता है। तो एग्रीकल्चर क्यों? क्योंकि प्लांटेशन की जाती है, खेती की जाती है। और इंडस्ट्री क्यों? बिकॉज इट प्रिपेयर्स द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इन द इंडस्ट्री। तो प्लांटेशंस जो होती है, ये जो प्लांटेशंस एक्टिविटी होती है, ये इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स यूज होते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव और एक होता है लेबर इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव में क्या डिफरेंस होता है? लेबर इंटेंसिव में जो लेबर होती है, जो मैनुअल वर्किंग होती है, वो उसका प्रपोर्शन ज़्यादा होता है। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है कि आप मनी बहुत ज़्यादा मतलब स्पेंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू लेबर। तो यानी कि मैनुअली काम कम होता है और मनी मनी मतलब कैपिटल यानी टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड किया जाता है। तो प्लांटेशन जो एक्टिविटी होती है, ये कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी होती है। और यहाँ पर जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, यानी कि माइग्रेंट लेबर्स यानी जो अदर स्टेट से या कहीं दूसरी जगह से लेबर्स आते होते हैं, वो उनकी मदद से खेती की जाती है, प्लांटेशन क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है। तो ऑल दी प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी जो प्लांटेशन में जो भी क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, उगाई जाती है, फार्मिंग की जाती है, उन सब का कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो टी प्लांटेशन, जैसे अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स अपने रीड करेंगे, जैसे इंडिया में सबसे फेमस क्या है? टी प्लांटेशन। तो टी प्लांटेशन आसाम में, नॉर्थ बंगाल में जो दार्जिलिंग वाला एरिया है, सिलीगुड़ी वाला। फिर कॉफ़ी प्लांटेशन कर्नाटका में, देखिए कर्नाटका में जो कोडागू एरिया है, वहाँ पर कॉफ़ी जो होता है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है कर्नाटका के कोडागू में। इनफैक्ट कर्नाटका में ही सबसे ज़्यादा कॉफ़ी को प्रोड्यूस किया जाता है। और कॉफ़ी में भी दो इसके मेन वेराइटी होती हैं, एक होता है रॉबस्टा और एक होता है रॉबस्टा होता है, दूसरा भी मुझे अभी नॉट एबल टू रिकॉल। रॉबस्टा बहुत फेमस, अरेबिका, यस अरेबिका एंड रॉबस्टा, ये बहुत फेमस कॉफ़ी होती हैं। इनफैक्ट दुनिया की सबसे महंगी जो कॉफ़ी होती है, मुझे उसका रेट अभी जो याद आ रहा है, वो करीब 75,000 पर केजी का होता है। तो वो सबसे महंगी जो कॉफ़ी होती है, उसको बोलते हैं सिवेट कॉफ़ी। और उसको बनाने का प्रोसेस भी थोड़ा सा स्ट्रेंज है। वो एक एनिमल होता है, कैट जैसा एनिमल होता है, सिवेट कैट बोलते हैं उसको। तो वो जो कॉफ़ी के बीज होते हैं, उनको वो एनिमल जो होता है उसको खाता है। फिर कहते हैं कि उसकी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, तो जो भी जो विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो उसके एंजाइम्स जो उसकी बॉडी में होते हैं, उसमें कॉफ़ी के जो उसको वो जब च्यू करता है तो वो उसमें ऐड हो जाते हैं। और उसके बाद फिर वो कॉफ़ी जो होती है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, फिर वो कॉफ़ी को यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ द यू नो मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी, सिवेट कॉफ़ी। तो कॉफ़ी कर्नाटका, बनाना प्लांटेशन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। रबर प्लांटेशन केरला में, बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बैम्बू को तो अब ग्रीन गोल्ड भी बोला था हमारे, जब 2018-19 का बजट आया था तब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण जेटली, तो उन्होंने बैम्बू को बोला था बैम्बू ग्रीन गोल्ड है। और इनफैक्ट इसको जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है उससे उठाकर बाहर रख दिया था, क्योंकि देखिए अगर आप किसी चीज़ को फॉरेस्ट में डाल देते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्लांट है या फिर ये जो पर्टिकुलर ट्री है, इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट, तो उसको जो काटना होता है, आई मीन जो उसकी कटिंग होती है, उसको डिफॉरेस्टेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बैम्बू तो एक कमर्शियल क्रॉप है, तो अगर आप इसको काटेंगे नहीं तो जो हमारे गरीब किसान हैं, जो लोग इस पर डिपेंड हैं, वो कैसे मतलब अपने आप अपना जो एम्प्लॉयमेंट है उसको आगे लेके जा पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे। तो इसलिए बैम्बू को फॉरेस्ट की डेफिनेशन से निकाल दिया था और इसको ग्रीन गोल्ड की कैटेगरी में रखा था। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको काफ़ी प्रोड्यूस किया जाता है। और कुछ और भी इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है जो इंडिया में उगाई जाती हैं। फिर अब जो प्रोडक्शन होता है मेनली किस लिए किया जाता है प्लांटेशन क्रॉप्स का? मार्केट के लिए। इनका एक बहुत अच्छा एक डेवलप्ड नेटवर्क होता है, किस चीज़ का? ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का। देखिए अगर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, जिसे हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन को,
अगर ये सिस्टम वेल डेवलप नहीं है, यानी कि आप अपने जो रॉ मटेरियल है वो आपको टाइमली नहीं मिल पा रहा है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, वो आपने बना लिया है बट यू आर अनेबल टू सेंड इट टू द मार्केट विद इन अ डेफिनेट टाइम, आप उसको भेज नहीं पा रहे हो जो भी आपने टाइम अपने कंज्यूमर को दिया हुआ है, कस्टमर को दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल हैम्पर योर इमेज, आपकी जो रेपुटेशन है मार्केट में उसको वो लॉस पहुँचाएगा। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांटेशन सिस्टम में, एरियाज में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, और मार्केट का होना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अब क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न में देखिए, अब इंडिया में तीन टाइप के क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, जैसे हम सबको पता है राबी, खरीफ एंड जायद। तो राबी, खरीफ एंड जायद, अब हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे, राबी सीजन क्या होता है, खरीफ सीजन क्या होता है एंड जायद सीजन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स क्या होती हैं, ये क्रॉप्स जो होती हैं ये विंटर्स में, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इनको हम प्रोड्यूस करते हैं, इनकी कल्टीवेशन, इनकी खेती स्टार्ट हो जाती है और इनको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी इनकी जो कटाई की जाती है वो समर में की जाती है, यानी कि अप्रैल से जून में, अक्टूबर से दिसंबर तक इन फलों, इन क्रॉप्स को हम उगाते हैं और अप्रैल से जून के बीच में हम इन फसलों को, ये जो क्रॉप्स होती है इनको काटना शुरू करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी मेन क्रॉप्स आती हैं, तो देखिए वीट, बाले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड जो हैं, ये मेन टाइप की आपकी राबी क्रॉप्स हैं। तो राबी क्रॉप्स अगर आपसे कोई पूछे, अगर कभी कोई बात करे कि यस आई एम डीलिंग इन द राबी क्रॉप्स, तो डोंट गेट मींस कंफ्यूज, दैट मींस दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड समवेयर, वो कुछ ना कुछ इन्हीं फसलों की बात कर रहा होगा, क्योंकि राबी क्रॉप्स की यही मेन क्रॉप्स हैं। अब देखिए जो स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी, ये मेन राबी क्रॉप यानी कि जो मेनली वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो इंडिया में वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन से ही से अराइज होते हैं लाइन टू लाइन से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, देन आपका उत्तराखंड एंड वेस्टर्न यूपी, यानी कि ये जो स्टेट्स हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके मेन जो वीट प्रोड्यूसिंग एरिया हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। फिर अब देखिए वीट प्रोड्यूसिंग एरिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी कि जो रेनफॉल होता है, जो पानी की ज़रूरत होती है विंटर्स में, वो यहाँ पर अच्छी खासी हो जाती है। क्यों अच्छी खासी, अब देखिए विंटर्स में अच्छी खासी कैसे हो जाती है, क्योंकि वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, जो मेडिट्रेनियन सी से वेस्टर्लीज विंटर विंड्स आती हैं, और फिर यहाँ पर जो हमारा नदर्न पार्ट्स है, मतलब नॉर्थ इंडिया के कुछ एरियाज है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, इन एरियाज में कुछ रेनफॉल करती है विंटर्स के टाइम पे, तो ये जो विंटर रेनफॉल होती है ये राबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो इन क्रॉप्स के लिए ये जो विंटर रेनफॉल है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। अब ये जो सक्सेस थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, हमने बताया था आपको लास्ट अपनी लेक्चर में कि ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, मिस्टर एम एस स्वामीनाथन, इन वर्ल्ड मिस्टर नॉर्मन बोरलॉग, और पंजाब के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, पंजाब ने भी अपना जो क्रेडिट है ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने का, वो मिस्टर नॉर्मन बोरलॉग को ही दिया हुआ है। तो अगर अभी कभी आपसे अगर कहीं कोई क्वेश्चन पूछता है या कहीं पर आप पढ़ते हैं कि फादर ऑफ पंजाब, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, तो आपको आंसर मिस्टर नॉर्मन बोरलॉग ही करना है, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली क्रेडिट उन्हीं को दिया है जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था, मैंने बताया था आपको, पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में, और कुछ पार्ट्स थे राजस्थान के जहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था इसके लिए, ग्रोथ ऑफ द राबी क्रॉप्स का। फिर नेक्स्ट इसमें आता है खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, देखिए ये क्रॉप्स कब उगाई जाती है, जब मानसून स्टार्ट होता है, यानी कि आपका करीब जून में, तो मानसून स्टार्ट होने के साथ ही इन क्रॉप्स को उगाया जाता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इनको हार्वेस्ट, इनकी कटाई कब की जाती है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इनको काटा जाता है, इनकी कटाई हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। अब इनमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी होती है, जैसे पैडी यानी धान, मेज, मक्का, ज्वार, बाजरा और तुर, अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, यानी कि ये जो सारी की सारी क्रॉप्स हैं ये सारी आपकी खरीफ क्रॉप्स में है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा कि कौन सी क्रॉप्स राबी हैं, कौन सी क्रॉप्स जो है खरीफ क्रॉप्स हैं। तो पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर जिसको अरहर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन।
तो कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन है इंडिया के, यानी कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर राइस जो है तो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, वो है असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, और पर्टिकुलरली जो कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट कौन सा है, महाराष्ट्र और गोवा वाला, अलॉन्ग विद द यूपी एंड बिहार। तो ये सारे जो है राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है इंडिया के। और रिसेंटली अभी जो पैडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप बन गया है पंजाब एंड हरियाणा में, क्योंकि अच्छी ट्यूबवेल, अच्छी जो वाटर फैसिलिटी है उसके कारण। क्योंकि देखिए धान के प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए आपको जो मतलब पानी है, वाटर बहुत अच्छी क्वांटिटी में चाहिए। तो पंजाब हरियाणा में तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है, नेचुरल सोर्स तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है, ड्यू टू द डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, डेवलप्ड जो मीन्स हैं एग्रीकल्चरल के लिए वो बहुत अच्छे हैं। तो उसके लिए वहाँ पर क्या किया जाता है, उन जो किसान हैं वो क्या करते हैं, अपने ट्यूबवेल्स के लिए, इसके ट्यूबवेल्स का यूज़ करके, सबमर्सिबल का यूज़ करके अपने जो क्रॉप्स हैं इनको कल्टिवेट करते हैं। अब जैसे स्टेट्स हैं असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये जो थ्री क्रॉप्स हैं पैडी की, ये यहाँ पर उगाई जाती है असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, और उनका नाम है ओस, आमन एंड बोरो। तो ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि मे बी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ओस, आमन, बोरो क्या है, तो कुछ भी नाम दे देंगे, किसी एनिमल का नाम है, बर्ड का नाम है, इट्स अ वेराइटी ऑफ राइस, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दे आर द वेराइटीज ऑफ द पैडी या फिर राइस, चावल की वैरायटी के नाम है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ। देखिए असम में एक चावल होता है जिसका नाम है बोका सोल चावल, बोका सोल चावल। इस चावल की खास बात ये होती है कि इस चावल को बिना पकाए खाया जाता है, मतलब इसको आप थोड़े टाइम के लिए पानी में डिप कर दीजिए, भिगो दीजिए, और उसके बाद इसको हम लोग जो होते हैं, मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं वो इसको ऐसे ही कच्चा खा सकते हैं। तो बोका सोल राइस होता है, तो याद रखिएगा इसको एक्चुअली जीआई टैग मिला था। जीआई टैग क्या होता है मैं बता देती हूँ अब आपको, मैंने नाम बोल दिया है। देखिए जीआई टैग इंडिया में क्या होता है, इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए पहले सबसे पहले तो जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफी मतलब लोकेशन, पर्टिकुलर उस जगह के नाम पर, इंडिकेशन मतलब इंडिकेट कर रही है उस जगह को, क्या चीज़, कोई भी चीज़ हो गई, जैसे दार्जिलिंग की चाय हो गई, ठीक है, तिरुपति के लड्डू हो गए, और बनारस की रेशम की साड़ी हो गई, और कांजीवरम वर्क हो गया तमिलनाडु, चेन्नई में है जो कांजीपुरम है, कांची सिटी है ना वहाँ का। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे रसगुल्ला हो गया, बंगाल का रसगुल्ला, एक ब्लैक मुर्गा होता है वो कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का उसको। तो कुछ चीज़ें कुछ ही जगह की फेमस होती है, मतलब ओरिजिनलिटी उनकी इसलिए होती है क्योंकि वो उस जगह से बिलोंग करती है, अदरवाइज जो मतलब जैसे बोलते ना नकली तो सब जगह मिल जाता है, लोग नाम किसी और का और बेचते कुछ और हैं। तो वो चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए, किसी चीज़ की जो स्पेशलिटी है उस जगह की वजह से उसको मेंटेन करने के लिए, हमारे यहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको DPIIT बोलते हैं। वो क्या करता है, एक एक्ट बनाया हुआ है जीआई टैग 1999। इस एक्ट के अंडर में जो रजिस्ट्रार जनरल होता है ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, वो क्या करता है, जो भी चीज़ उनको लगती है कि ये यहीं की ओरिजिनल है और इसको कोई डुप्लीकेट ना कर सके, नकली उसको किसी और के नाम पे ना बेच सके, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी जाती है, जैसे पेटेंट राइट्स हो गया और ट्रेडमार्क्स होता है, तो ऐसे ही जीआई टैग मिल जाता है उनको। तो जीआई टैग का मतलब होता है आप कोई भी इसको किसी और नाम से और कॉपी करके नहीं बेच सकता, ये चीज़ जहाँ की है वहीं की फेमस रहेगी, ठीक है। तो जीआई टैग जो है काफ़ी चीज़ों को मिला है, तो मैं आपको वो नाम बताया था बोका सोल राइस का, तो उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें जायद क्रॉप। जायद क्रॉप्स क्या होते हैं, ये एक छोटा सा सीज़न होता है बिटवीन द राबी क्रॉप, राबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बीच में, और ये समर में गर्मियों के टाइम पे होता है। ये जो क्रॉप्स होती है, इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, मेनली जो आपका हॉर्टिकल्चर होता है लाइक वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स जो होती हैं वो जायद के टाइम पे, जायद सीज़न में उगाई जाती है। और ये जायद सीज़न कब आता है, जो आपका राबी और खरीफ के बीच का टाइम होता है। फिर आता है मेजर क्रॉप्स कौन सी है। देखिए अब इंडिया में तो बहुत सारे फूड और नॉन फूड क्रॉप्स जो होती हैं सॉरी वो कल्टीवेट की जाती है डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट टाइम्स में, ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारी सॉइल की वैरायटी क्या है। देखिए हमारी मतलब कि अलग अलग एरिया की अलग अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्लाइमेट की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस अलग अलग होती है, तो उसके बेसिस पे हम अपनी क्रॉप्स को डिवाइड कर देते हैं। तो मेजर क्रॉप्स कौन सी है इंडिया की, जैसे राइस, वीट, मिलेट्स और मेज एंड मिलेट्स, मेज एंड
पल्सेस। तो ये पांच जो है मेजर क्रॉप्स है इंडिया की, और इनको ग्रेन्स की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि अनाज की कैटेगरी में। कौन कौन से? राइस, वीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस। फिर आता है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो मतलब और कौन कौन से फूड क्रॉप है जो ग्रेन्स के बाहर हैं? तो जैसे शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, टी हो गया, कॉफी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गई। तो ये सारे के सारे क्या है? फूड क्रॉप्स हैं, लेकिन ये ग्रेन्स में नहीं आते, बट स्टिल दे कैन बी कंज्यूम्ड, ये कंज्यूम करते हैं। फिर आता है नॉन फूड क्रॉप्स। तो नॉन फूड क्रॉप्स भी होते हैं जो हम खाते नहीं हैं, बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, लाइक रबड़, फाइबर क्रॉप्स हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे नॉन फूड क्रॉप्स हैं। देन डिड यू नो इंडिया प्रोड्यूसेस 51 मेजर क्रॉप्स? तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया करीब जो है 51 मेजर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है इसमें राइस। तो राइस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम सारा यहाँ पर नहीं बात करेंगे, जो मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया की, यानी कि जिस पर जो मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड रहते हैं, तो वो क्रॉप्स कौन सी है और उनकी क्या खास बात है, क्या उनके लिए कंडीशंस चाहिए, वो सारी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए राइस जो होती है, राइस जो है ये स्टेपल फूड क्रॉप है ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, यानी इंडिया में जो ज़्यादातर लोग हैं, राइस उनके लिए स्टेपल फूड क्रॉप है। स्टेपल मतलब क्या होता है? बहुत इसेंशियल है, बहुत मेन है उन लोगों के लिए। तो इंडिया जो है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वर्ल्ड में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है जो राइस को प्रोड्यूस करता है। ये खरीफ क्रॉप है और इसके लिए देखिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। चावल उगाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि चावल कौन से क्रॉप है, धान जिसको पैडी भी बोलते हैं। राइस एक खरीफ क्रॉप है और इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, करीब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए, यानी कि अच्छा खासा गर्म मौसम चाहिए, और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी कि बारिश भी अच्छी चाहिए, विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, करीब 100 सेंटीमीटर एवरेज से ऊपर का बारिश चाहिए। फिर ये उगाया जाता है कहाँ पर? जो प्लेन्स हैं। कौन से प्लेन्स? प्लेन्स जो नॉर्थ के हैं हमारे, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस प्लेन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, और जो कोस्टल एरियाज हैं, डेल्टा रीजन्स हैं, जैसे जो डेल्टा एरियाज हैं, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना। तो ये जो है मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। फिर उसके अलावा क्या चाहिए? डेंस, इसके लिए डेंस नेटवर्क चाहिए, मतलब एक बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लेवल पे नेटवर्क चाहिए, कैनाल इरिगेशन का, मतलब नहरों का सिस्टम, नहरें डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ट्यूबवेल्स चाहिए इसके लिए, ताकि राइस जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो अप हो सके, ठीक है। क्यों, कहाँ पर? जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए? कैनाल इरिगेशन या फिर आपको ट्यूबवेल्स का अच्छा सिस्टम चाहिए। तो ये सिस्टम कहाँ पर है? जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी या फिर कुछ पार्ट्स जो है राजस्थान के, वहाँ पर राइस को कल्टीवेट करने के लिए उन लोगों ने जो आर्टिफिशियल मीन्स है उनको काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट इसमें आता है, अब देखिए कुछ मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं कि इंडिया में कहाँ का राइस मेनली प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कुछ तो जो है वो नेचुरली जो रेन पर डिपेंड है, कुछ डेल्टाइक रीजन्स हो गए, और कुछ जो है वो ट्यूबवेल्स और कैनाल इरिगेशन की वजह से राइस को अच्छे से प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो देखिए जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये आपका वेस्ट ईस्टर्न यूपी हो गया, फिर आपका बिहार, और ये आपका हो गया इधर, यहाँ पर ये झारखंड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये एमपी का ईस्टर्न एमपी हो गया, फिर इधर से ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये इधर से उड़ीसा वाला पार्ट हो गया, फिर ये उधर इधर से आपका नॉर्थ जो आंध्र प्रदेश है वो वाला पार्ट हो गया, कुछ यहाँ पर महाराष्ट्र का एकदम ईस्टर्न महाराष्ट्र वाला पार्ट भी पड़ जाता है, फिर ये आपका वेस्टर्न यूपी, इधर से पंजाब, हरियाणा। तो ये सारे के सारे एरियाज जो, इधर से आपका ये आसाम वाला, क्योंकि यहाँ बारिश अच्छी हो जाती है। तो ये जो है मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं या राइस प्रोड्यूसिंग पार्ट्स हैं इंडिया के। सो इसके साथ ही हम इस लेक्चर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपके इस लेक्चर से लेक्चर के रिगार्डिंग डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।